नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मर में। आज हम नींबू में एयर लेयरिंग किस प्रकार से करना है वो देखेंगे। एयर लेयरिंग करने के लिए हमें एक हेल्दी पौधे की ज़रूरत है और उस पौधे पर जो ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे हम वो एटलीस्ट पेन साइज तो भी होनी चाहिए। तो इसमें हम एक 1.5 से 2 इंच का कट लेंगे इस प्रकार से कट करना है। इसी प्रकार से ये साइड से भी कट करना है और इसके बीच की जो छाल है उसे धीरे धीरे इस प्रकार से हटाना है। एयर लेयरिंग मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना, वो भी मात्र 40 दिन में। आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांच अब एयर लेयरिंग सक्सेस होने के बाद हम यहाँ से कट करके इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं, जो कि तुरंत फल देगा। इसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं लगती है। आपको सक्सेस रिज़ल्ट बताने के लिए मैंने 40 दिन पहले एक पौधे पर एयर लेयरिंग करके रखी है। इसकी प्रोसीजर होने के तुरंत बाद में वो आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगा। ये इस प्रकार से अच्छी तरह से स्क्रैच कर लेना है। अगर ये प्रॉपर स्क्रैच नहीं किया तो यहाँ पर स्किन फॉर्मेशन हो जाएगा, उससे हमारी एयर लेयरिंग विफल हो जाएगी। अभी इस स्क्रैच की जगह पर हम एलोवेरा, शहद या फिर रूटिंग हार्मोन जो बाज़ार में मिलता है वो भी लगा सकते हैं। हम इस पे एलोवेरा का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात हम इसमें ये सॉइल और कोको पाउडर इनका मिक्स लिया है। ये जिप के बैग में करने से आसान जाता है। अभी इसे हम इस प्रकार से कट के पोर्शन पर ऐसा लगाकर आने वाले 40 दिनों तक इसे ऐसे ही रखेंगे। एयर लेयरिंग जुलाई से अगस्त यानी बरसात के सीज़न में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पर्यावरण में अच्छी नमी बनी हुई रहती है। अभी हम इसे ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर देंगे। अब इसे हम ब्लैक प्लास्टिक से कवर कर देंगे जिससे कि इसकी नमी बनी रहेगी। एयर लेयरिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। सिर्फ बरसात में अगर कर रहे हो तो इसे मॉइस्चर अच्छी तरह मेंटेन रहता है, और अगर गर्मियों के दिनों में आप इसे ट्राई कर रहे हो तो इसे आपको इसके अंदर नमी बरकरार रहने के लिए 1-2 बार इंजेक्शन से पानी भी छोड़ना पड़ता है। अभी हम एक दूसरे पौधे पर एयर लेयरिंग की थी उसका रिज़ल्ट देखेंगे। आइए देखते हैं, 40 दिन पहले हमने इस पौधे पर एयर लेयरिंग की थी उसका रिज़ल्ट देखेंगे।
ये देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन ब्रांचेस रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। लगभग 40 दिन हो गए इसमें, काफ़ी अच्छी तरह से रूट्स डेवलप हुए हैं। अभी हम इसे एक से डेढ़ इंच डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से कट कर देंगे। देखिए मात्र 40 दिन में हमें कितनी बड़ी साइज़ का पौधा मिल गया है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। बहुत ही बेहतरीन रूट्स डेवलप हुए हैं इसमें। अब हम इसे पॉट में या फिर ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।